इस लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल की 10 गारंटियों का ऐलान करने जा रहे हैं। मेरी गिरफ्तारी की वजह से इसमें थोड़ी सी देरी हुई है, अभी भी कई चरण चुनावों के बाकी हैं। वैसे तो ये गारंटियां केजरीवाल की गारंटी के नाम से जारी की जा रही हैं। मैंने अपने इंडिया गठबंधन के दूसरे साथियों से इसके बारे में अभी चर्चा नहीं की है, लेकिन जिस किस्म की गारंटी है, मेरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के किसी भी सदस्य को इसके बारे में परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये केजरीवाल की गारंटी है तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि मैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब गारंटियों को मैं अपने सभी साथियों से पूरी करवाऊंगा। ये जो गारंटी है 10, ये एक तरह से नए भारत का विजन है। इनमें कई ऐसे काम है जो पिछले 75 साल में हो जाने चाहिए थे, जो भी कारण रहे नहीं हो पाए। इनमें कई ऐसे काम है जिनके बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता। मूलभूत काम है, किसी भी राष्ट्र की फाउंडेशन का काम है, नींव रखने का काम है, उसके बिना राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। उन कामों को युद्ध स्तर के ऊपर अगले 5 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। इसमें वो गारंटियां हैं जो इस देश के लोगों को महंगाई और रोजगार से छुटकारा दिलाएंगी, उनसे उन लोगों को रिलीफ दिलवाएंगे। आजकल देश में मोदी की गारंटी की भी चर्चा चल रही है। मोदी जी की पुरानी गारंटियों के बारे में मैं थोड़ा सा नजर डालना चाहूंगा। जनता तय कर लेगी कि मोदी की गारंटी पे विश्वास करना है कि केजरीवाल की गारंटी पे विश्वास करना है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में जमा कराएंगे, वो उन्होंने नहीं कराए। मोदी जी ने गारंटी दी थी हर साल 2 करोड़ रोजगार तैयार किए जाएंगे, वो उन्होंने नहीं किए। मोदी जी ने गारंटी दी थी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके उसके हिसाब से किसानों को फसलों के दाम दिए जाएंगे, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको खारिज कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, वो नहीं की उन्होंने। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2022 तक इस देश के हर घर के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया जाएगा। आज भी देश के कोने कोने तो छोड़िए, देश के कई शहरों के अंदर बिजली के नाले पड़े हुए हैं, बिजली के बड़े बड़े लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 15 अगस्त 2022 तक साबरमती और बॉम्बे के बीच में बुलेट ट्रेन चालू की जाएगी, अभी तक बुलेट ट्रेन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी, अब तो शायद ये प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया है कोई स्मार्ट सिटी। इस तरह की ढेरों गारंटी दी थी जो कि कोई गारंटी पूरी नहीं है। इसके पहले जब जब चुनाव आए, केजरीवाल ने गारंटी दी थी दिल्ली में और पंजाब में बिजली मुफ्त करेंगे, हमने बिजली मुफ्त कर दी। हमने गारंटी दी थी बिजली 24 घंटे करेंगे, हमने बिजली 24 घंटे कर दी। हमने गारंटी दी थी शानदार स्कूल बनाएंगे, हमने बच्चों की शिक्षा के लिए शानदार स्कूल बनाए। हमने गारंटी दी थी मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हमने जितनी गारंटी दी थी सारी गारंटी पूरी की। तो एक तरफ है मोदी की गारंटी, एक तरफ है केजरीवाल की गारंटी। मोदी की गारंटी का हम देख चुके हैं कि मोदी की गारंटी यकीन करने का लायक नहीं है। और अब तो अगले साल चूंकि मोदी जी रिटायर होंगे, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद मोदी की गारंटी कौन पूरी करेगा, इसका भी कोई वो नहीं है। और केजरीवाल की गारंटी, केजरीवाल नहीं है, कहीं नहीं जा रहा, तो केजरीवाल की गारंटी पूरी करने की गारंटी केजरीवाल ले पाए। 10 गारंटी क्या है मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली गारंटी है देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतजाम ना कर दिया जाए। देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाएंगे। और इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। तीसरा, स्वास्थ्य, तो सब लोगों को अच्छे इलाज का इंतजाम करेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि, हमारी चौथी गारंटी। चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया। हमारी केंद्र सरकार से जब भी पूछा जाए वो कहते हैं कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, सैटेलाइट का जमाना है, सबके पास तस्वीरें हैं कि किस तरह से चीन ने हमारी सरजमी के ऊपर घुस के और उसके हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। जुटलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, लोगों से छुपाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे देश की सेना के अंदर बहुत ताकत है, हमारे देश की सेना को एक बार इजाजत तो दीजिए, उसको स्वतंत्रता तो दीजिए काम करने की, वो देखिए आपको जीत के लाती है। तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है, उस जमीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे। हमारे युवाओं को फौज में भर्ती करके 4 साल के बाद निकाल दिया जाता है, लोगों की एक ओनरशिप नहीं बनती। 4 साल के बाद अगर आप निकाल देंगे तो एक तरह से हम सेना को सबसे कटिंग एज लेवल के ऊपर हम कमजोर कर रहे हैं।
ये अग्निवीर योजना सेना के लिए भी बहुत हानिकारक है और जो बच्चे युवा हमारे अग्निवीर बनके जा रहे हैं वो लोग भी बहुत त्रस्त हैं। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा, जितने बच्चों को अभी तक अग्निवीर में शामिल किया जाए उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा, उनको पक्का राष्ट्रीय सम्मान भी नहीं मिलता संस्कार के समय, तो उनको पक्का किया जाएगा, उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा। और सेना के अंदर ये ठेकेदारी के ऊपर एक तरह से कच्चे में अग्निवीर तो कच्ची नौकरी होगी ना, कच्ची नौकरी ये बंद की जाएगी और वापस पक्के के अंदर बच्चों को लिया जाएगा। और सेना को ये अग्निवीर योजना लाए थे क्योंकि केंद्र सरकार का मानना था कि सेना के ऊपर उनकी तनख्वाह और उनकी पेंशन के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। सेना के ऊपर उस देश की सुरक्षा के ऊपर जितना पैसा खर्च करने की जरूरत है उतना पैसा खर्च किया जाएगा, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। छठी गारंटी किसानों के लिए, किसानों को आप इज्जत की जिंदगी दे सकते हैं अगर आप उनको उनकी फसलों के पूरे दाम दे दें। किसान कोई भीख नहीं मांग रहा, किसान अपना हक मांग रहा है, किसान अपनी बारिश में धूप में मेहनत करके और अपनी फसल उगाता है और उसके बाद जब उसको फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते तब वो अपने ऋण नहीं चुका पाता, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता। अगर आप उसकी फसलों के दाम सुनिश्चित कर दें तो किसान को आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसानों को उनकी फसलों के पूरे सभी फसलों के पूरे दाम MSP के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। सातवीं गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा जो दिल्ली वासियों को कई दशकों से दिल्ली के लोगों का हक है। बेरोजगारी, आज पूरे देश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, इसके लिए हमने बहुत डिटेल प्लानिंग की है, हमारे मंत्रियों ने, हमारी टीम ने बैठ के, सब लोगों ने बैठ के, कि एक साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा ताकि हमारे युवकों को बेरोजगारी से निकाला जा सके। ये प्रोडक्टिव और इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट होगी। भ्रष्टाचार, बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे के ऊपर खड़ा करके तोड़ा जाएगा। बीजेपी की वॉशिंग मशीन इस देश का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा सोर्स जो है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है। ईमानदार लोगों को जेल भेजने और बेईमानों को संरक्षण देने की आज जो मौजूदा व्यवस्था है इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से हमने भ्रष्टाचार पे, दोनों लेवल पे, छोटे लेवल का भ्रष्टाचार और बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हमने जो वार किया है उसी लेवल पे इफेक्टिव तरीके से पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजात दिलवाई जाएगी। और दसवीं और आखिरी गारंटी, व्यापारियों के लिए, अगर किसी देश के अंदर व्यापारी और उद्योगपति खुद के व्यापार नहीं कर सकते, अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकते, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, उस देश के अंदर कभी जॉब्स पैदा नहीं हो सकते। और ये डेटा बताता है कि पिछले 8-10 साल के अंदर इस देश के 12 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़े बड़े अमीर लोग इस देश के अंदर व्यापार और उद्योग बंद करके विदेशों में चले गए हैं क्योंकि इस देश के अंदर आतंक मचा रखा है सरकार, केंद्र सरकार ने उन लोगों को डराने का धमकाने का। GST को PMLA से बाहर किया जाएगा, GST का सरलीकरण किया जाएगा, सारी प्रशासनिक और लीगल व्यवस्थाओं को सरलीकरण किया जाएगा और एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अगर इस देश के अंदर कोई सही तरीके से व्यापार करना चाहे तो वो व्यापार कर भी सकता है, उद्योग खोल भी सकता है, ज्यादा परमिशन की जरूरत नहीं होगी। और बड़े स्तर के ऊपर हम व्यापार को, उद्योग को, हमारा टारगेट चाइना को पीछे छोड़ना है जो आज इस दुनिया के अंदर इसमें व्यापार में और उद्योग में और प्रोडक्शन में बहुत आगे है, हमारा कंपटीशन उनके साथ है। तो इसके लिए सभी व्यापारियों को, उद्योगपतियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। ये हम लोगों की 10 गारंटी है और मजबूत गारंटी है और मैं समझता हूँ कि देश को इन सब उससे तरक्की मिलेगी।